ये जो पार्ट लगेगा ना ये ठीक करने के लिए, पार्ट हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। अब 15 से 20 दिन लगेंगे, सिंगापुर से पार्ट आएगा। मैंने समझ लीजिए 20 लोगों से बात करी होगी, तो 20 में से मेरे को दो लोग ऐसे मिले जिन्होंने मेरे को एग्जैक्टली यही बताया कि वो लोग ऐसा ही करने वाले हैं। कोई साउथ से नॉर्थ में ट्रैवल कर रहा है या कहीं और कर रहे हैं, तो एक कम्फर्ट फूड होता है अपने रीजन का। मेरे को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता, मैं साउथ में आया हूँ तो मेरा मन होता है ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों साउथ इंडियन। हेलो, आज रामेश्वरम में हमारा सेकंड डे है, नाइट के हिसाब से बात करेंगे तो आज थर्ड नाइट होने वाली है। हम परसों रात को आए, कल हम पूरा दिन रामेश्वरम में थे और आज भी रामेश्वरम में रहेंगे। बेसिकली हम आउटस्कर्ट्स में ट्रैवल करने वाले हैं, धनुषकोडी भी हमको जाना है। और इस समय सुबह मौसम कैसा है वो आप देख लो, आपको मौसम देख के ये अंदाज़ा नहीं होगा कि अभी सुबह के 6:30 बजे या 8:30 बजे है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इस समय 9:15 बजे का टाइम है, हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। आज कल रात को 11:30 बजे सोने के बावजूद आज सुबह मैं 5 बजे सो के उठ गया था, क्योंकि मुझे मालूम था मुझे डेटा कॉपी का काम करना है, उसके बावजूद हमारे को लेट हो गया। तो सोचो कितना समय लग गया होगा। थोड़ा इश्यूज आते हैं डेटा कॉपी करने में, वो मैं ऑलरेडी पहले चर्चा कर चुका हूँ। और ये काम मुझे नहीं समझ आता बाकी जो व्लॉगर्स हैं वो कैसे करते हैं। हम तो हफ्ते में एक बार वीडियो डालते हैं, लेकिन जो डेली व्लॉगर्स हैं, स्पेशली जो ट्रैवल करके डेटा पोस्टिंग करते हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं ये मैं आज तक नहीं समझ पाया, क्योंकि मेरी तो जान निकल जाती है। सोचो ना, रोज़ 2-2.5 घंटा इसी में लगाना कितना पेनफुल है, और स्पेशली कितना हैक्टिक डे हमारा रहता है, पूरा दिन घूमते रहते हैं। एनीवेज, अब 15 मिनट पहले मैं यहाँ पर पहुँचा। नाश्ते में आज इन्होंने मीठे में केसरी हलवा था और इडली वड़ा सांभर दो किस्म की चटनी थी। ओवरऑल गुड ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मैंने पहले भी बताया था यहाँ पैकेज के अंदर इंक्लूड होता है। और स्टाफ मेरे को यहाँ का काफ़ी अच्छा लगा, रिसेप्शन स्टाफ भी सही है और रेस्टोरेंट स्टाफ तो ऑसम। ऐसा ही मैंने कन्याकुमारी में भी कहा था कि मेरे को वहाँ का भी स्टाफ बहुत पसंद आया। अगर कोई देखो गवर्नमेंट अकोमोडेशन में कोई 19-20 कमी होती है ना, जो होती ही है, प्राइवेट में जनरली कम होती है, तो अच्छा स्टाफ हो ना तो वो उस कमी को कवर कर देता है। तो सेम थिंग हैपन्स हेयर एंड एट अदर TTDC प्रॉपर्टीज़। तो कुल मिला के मेरे को ये TTDC अकोमोडेशन पसंद आई है। चलो अब हम 5-10 मिनट में यहाँ से निकलेंगे, लेट तो ऑलरेडी हो गया 9:30। अब बरसात अगर पूरा दिन चलती रही तो हो सकता है धनुषकोडी हमको छतरी लेके घूमना पड़े, अगर रुक गई तो अच्छी बात है, थोड़ा सन निकल आएगा ना, तो क्या धनुषकोडी अच्छे से लेफ्ट राइट घूम घाम के इंजॉय कर सकेंगे। बाकी मौसम बारिश का चल रहा है, मैंने पहले भी चर्चा करी थी, दिसंबर जनवरी में बारिश होती है यहाँ पे, रिट्रीटिंग मानसून। कहाँ गया एंथनी भाई, कहाँ गया एंथनी भाई, नाश्ता हो गया आपका? ठीक है, अभी चल रहे हैं यहाँ से 5 मिनट में। तो अभी जैसे आगे चल के VSNL का नेटवर्क भी नहीं आएगा? नहीं सर, इधर अभी अपने और एक या दो किलोमीटर चले जाएंगे तो पूरा आपको नेटवर्क कट हो जाएगा। ऐसा? हाँ, जब लास्ट जो अर्चन मुने जब पूछते हैं तभी आपको श्रीलंका का नेटवर्क मिलेगा, वो भी एक पॉइंट पे। उसके बाद मिला तो मिला, नहीं तो नहीं, खाली वो मैसेज आएगा वेलकम टू श्रीलंका। अच्छा, आज से 30-35 साल पहले ना, धनुषकोडी से या रामेश्वरम से मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ से श्रीलंका तक फेरी जाती थी। हाँ जाती थी सर। कभी आप गए उस फेरी में? नहीं सर। कितने साल हो गए फेरी बंद हुए? नहीं, मैं पैदा होने का पहले ही पूरा इधर सुनामी में पूरा खत्म हो गया। नहीं नहीं, ये तो 1964 के बाद की बात है। नहीं नहीं, 1967 में इधर जब सुनामी आया था, दिसंबर 22 या 22 को शायद आया था, रात को 11:15 बजे को सुनामी में पूरा ट्रेन पानी मिनी में सब चले गया था। मुझे किसी ने बोला कि आज से 35 साल पहले वो पर्सन रामेश्वरम आए थे, तो वो फेरी में श्रीलंका गए थे? नहीं सर, वो शायद छुपके गए रहेंगे। छुपके? लेकिन ऐसा तो परमिशन नहीं है। छुपके कहाँ से फेरी में जाएंगे? वो मच्छी का जो बोर्ड आता है। अच्छा अच्छा, उसमें। वैसे एक बात है, ये रास्ता बड़ा मजेदार है, ये झाड़ियाँ ना, इसके एकदम बराबर में समुद्र लेफ्ट में भी दिख रहा है और राइट साइड भी दिख रहा है, और ट्रैफिक भी मतलब रीजनेबल सा ही ट्रैफिक है। बे ऑफ बंगाल हमारे लेफ्ट में है ना? हाँ, बे ऑफ बंगाल लेफ्ट में है, राइट में हिंदू महासागर है, और थोड़ी देर 1-1.5 किलोमीटर जाने के बाद आपको पूरा खुला व्यू दिखेगा। अच्छा, तभी बिना झाड़ी के? हाँ, बिना झाड़ी के। अरे वाह। अरे हिमांशु, मैं लो नेटवर्क एरिया में जा रहा हूँ, तो ये फटाफट ना एक मैसेज समझ लेना। पहली बात ये मैं जानना चाह रहा था, वो जो गाइड से बात की थी तुमने, वो
फिजिकली कल क्या कराईकुड़ी में होंगे जिसे हम 10-15 मिनट उनको बीच में मिल सकें, क्या ये पॉसिबल है? अगर नहीं मालूम इसका आंसर तो एक बार उनसे फ़ोन पे पूछ लेना और मुझे अपडेट कर देना। दूसरी बात ये है, मैंने तुम्हारे को ना चेन्नई में किसी पर्सन का नंबर दिया है जो सोनी कैमराज में डील करता है, नॉट ओनली सोनी बट सारे कैमराज में, तो अब वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सन है इस लाइन का, उनसे यही बात करना कि हमें कोई कैमरा पर्सन चाहिए सोनी NX80 जैसा कैमरा जिसमें ड्यूअल माइक्रोफोन ईजिली लग जाए, और वो हमें पर्सन कल ज्वाइन करे। ठीक है, अभी एकदम आउट ऑफ नेटवर्क हो रहा हूँ इसलिए बना दिया फटाफट वॉइस नोट। बाय बाय। हमारे टीम मेंबर को भेजा था मैंने कोची सोनी के पास, तो सोनी ने बोला कि ये जो पार्ट लगेगा ना ये ठीक करने के लिए, पार्ट हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, अब 15-20 दिन लगेंगे, सिंगापुर से पार्ट आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे ये टूर में हम कैसे हैंडल करेंगे, इसका मेरे पास जवाब तो नहीं है अब, क्योंकि एक मिनट गाड़ी रोकी है तो आपको ये भी दिखाई देता हूँ। ये है जी जो करंटली हम कैमरा यूज़ कर रहे हैं A7 III, ये वैसे मैंने पहले भी वीडियोस में दिखाया था, ऊपर एक सिंगल माइक्रोफोन लगा हुआ है। अब NX80 में क्या होता है, हम दो माइक यूज़ कर लेते हैं, अगर दो लोग बात कर रहे हैं उसके दो रिसीव चाहिए ना हमारे को करने वाले। वैसे इसमें एक मेरे पास पुराना जुगाड़ था, एक कंपनी थी डाइटी करके, अगर मैं ठीक बता रहा हूँ तो, हाँ ऐसा ही तो नाम था, उसका लिया था, वो परफॉर्मेंस मेरे को उतना मज़ा नहीं आया, फिर मैंने को लगा सनाइज़र ही हमारे लिए ठीक है। तो ऐसे दो लग जाते थे, इसमें अब एक लग रहा है, इसका मतलब है एक पर्सन अगर बात करेगा तो दूसरे पर्सन की आवाज़ बहुत ज़्यादा कम आएगी, तो इस वजह से हम लोग इसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे। साथ में इसमें 4K परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, गर्म हो जाता कैमरा जितनी NX80, वो तो कैमकॉर्डर है। तो अब वही सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करें। अब मेरे जो पर्सन हमारा जो टीम मेंबर गया हुआ है ना वहाँ पर कोची, अब कल रात को वो कोची से 6-6:30 बजे चला था, रात को 12:30 बजे मुन्नार पहुँचा है। मैंने कहा था रात को कुछ डिस्टेंस कवर कर ले, अब रामेश्वरम आए हुए हैं, अगर जम कर जाएगा तो क्या फिर दर्शन कैसे करेगा वो, क्योंकि कल तो हम कराईकुड़ी निकल जाएंगे। अब वो मुन्नार से सुबह 7:30 बजे चला है तो 5 बजे तक उम्मीद है, 8:30-9 बजे निकला होगा तो 5 बजे तक आ जाएगा। टैक्सी करवा के भेजा हमने तिरुनेलवेली से कोची, वो तो सोचो कितना ऑन द स्पॉट सब फटाफट ऑर्गेनाइज किया। ये सब करने में ना, अब तो मैं आपको आउटपुट बता रहा हूँ लेकिन ये सब कोऑर्डिनेशन में बहुत समय लग गया, क्योंकि जब कैमरा भेज रहे थे तब भी हम कंफ्यूज थे कि तिरुवनंतपुरम भेजें, बैंगलोर भेजें, फिर मालूम चला कि सबसे बड़ा सेंटर कोची है, तो वहाँ चांसेस पार्ट्स के होने के ज़्यादा हैं। बट अब बता ही दिया मैंने आपको आउटकम क्या है। अब इसमें क्या होता है ना, अगर एक्स्ट्रा कैमरा आपके पास नहीं है तो आपके पास बी रोल्स में वैरायटी नहीं आती। आज मैंने इंस्टाग्राम लाइव भी किया है, उसमें मैंने बताया कि अगर आप मदुरई के रहने वाले हो तो आपके पास कुछ इनपुट है तो दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ शाम तक कुछ रास्ता निकल जाएगा, नहीं निकला तो हमारे पास एक लास्ट रिजॉर्ट और है, वो भी बता देता हूँ आपको लगे हाथ। जैसे ये माइक है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये तो आपको दिख ही रहा ना, ये वैसे DJI का माइक है, मैंने कुछ टाइम पहले लिया था, मैंने एक बार इसका दिखाया भी था। तो हम क्या करेंगे, इस कैमरे के ऊपर से ना ये माइक हटा देंगे और इसके ऊपर लगा देंगे DJI, इसके ऊपर हम DJI का इनपुट लगा देंगे और फिर दो लोग बात कर सकेंगे। मैं दो की बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी सारी कॉन्वर्सेशन में मैं अकेला हूँ, लेकिन बहुत जगह क्या होता है ना, हमें सेकंड पर्सन जो टॉकिंग कर रहे हैं उनके साथ वीडियो करना पड़ता है, तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अभी यहाँ पे भी मेरे को रामेश्वरम में कुछ लोग मिले थे जो मुझे लगा कि अच्छा इनपुट दे सकते हैं, लेकिन अब उनके पास ना उतना टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं उनको बोलूँ कि रुको मैं माइक उतारूंगा आपको दूंगा। वो कह रहे थे बस 2 मिनट में अवेलेबल हूँ या 5 मिनट अवेलेबल हूँ, आप थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो, लेकिन फिर वो सेटिंग बैठती नहीं, ये थोड़ा प्रैक्टिकल चैलेंज है। चलो कोई बात नहीं, अभी ऐसा अपना थोड़ा सा दुख था इस बात को लेके, तो मैंने आपके साथ शेयर करी कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। आज दिन भर हम रामेश्वरम के आउटस्कर्ट्स में घूमकर वापस टेंपल के पास हमारा होटल है ना वहाँ तक आ गए हैं। अब खाना खाने के लिए मैं होटल स्काउट कर रहा था किस रेस्टोरेंट में खाएं। एक सबसे पहले मैं वृंदावन रेस्टोरेंट गया, उनके पास साउथ इंडियन अवेलेबल नहीं था, बेसिकली राइस में मैं वैराइटीज़ चाह रहा था। और फिर मैं एक यहाँ रेस्टोरेंट है अशोका होटल, वो कह रहे हैं हमारे पास नॉर्थ इंडियन है, तो मुझे लगा एक काम करता हूँ वापस गणेश मैस ही चलता हूँ। सामने गणेश मैस है टेंपल के वेस्ट गेट के सामने, तो मैं गणेश मैस आ गया हूँ, बेसिकली इसके बाहर खड़ा हूँ, तो यहीं पे चल के कुछ खा लेते हैं, तो वॉक करते करते अपने होटल चले जाएंगे। यहाँ से हमारा होटल ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली आई थिंक 1 किलोमीटर ही होगा। TTDC बेसिकली तमिलनाडु का जो होटल है वो ईस्ट गेट के पास है। आइए जी,
लास्ट टाइम जब मैं गणेश में साया था तो यहाँ पर मैंने मील्स खाया था, तो अब मैं वापस आया हूँ ना, तो मैंने अपने लिए ना अनियन रवा मसाला डोसा लिया है, तो कम्युनिकेशन में मैंने मसाला मिस कर दिया था, तो अब मैंने इनको बोला कि मैंने मसाला मांगा, तो मसाला सेपरेट लिया आ रहा है। दो किस्म की चटनी मिलती है, ये तो वैसे कॉमन ही है, ये टमाटर प्याज का चटनी, कोकोनट चटनी और सांभर। मेरे को ध्यान में है जब भी मैं साउथ में ट्रैवल करता हूँ तो मैं देखता हूँ जो साउथ इंडियन फूड रेस्टोरेंट्स हैं जिनके यहाँ चटनी बहुत बनती है, हर तीन तीन घंटे में बनाते रहते हैं क्योंकि इसकी लाइफ कम होती है। थैंक यू भैया। लो जी मसाला आ गया। और वैसे ना यहाँ पर मील्स लंच में मिलते हैं, शाम के समय इस प्रकार से डोसा रहता है। इसके अंदर ना मेरे को एक बार के लिए लगा कि ग्राउंडनट है, फिर ध्यान से मैंने सोचा ग्राउंडनट नहीं है, इसके अंदर दाल है कोकोनट के साथ साथ ना। सही है, नाइस। अच्छा, काफी बार क्या होता है, कोई मान लो 12 या 15 दिन के लिए किसी और रीजन में ट्रैवल कर रहा है, तो मान लो दिल्ली से मेरे जैसा पर्सन 15 दिन के लिए साउथ में ट्रैवल कर रहा है, काफ़ी लोगों को ना 5 या 8 दिन के बाद ऐसा लगने लगता है कि अपना नेटिव फूड खाएं। ये किसी के साथ भी हो सकता है, कोई साउथ से नॉर्थ में ट्रैवल कर रहा है या कहीं और कर रहा है, तो एक कंफर्ट फूड होता है अपने रीजन का। मेरे को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता, मैं साउथ में आया हूँ तो मेरा मन होता है ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों साउथ इंडियन, अगर मैं 15 दिन हूँ तो 15 के 15 दिन, मतलब ट्रैवल करते समय कोई दाल मखनी नहीं, कोई पनीर नहीं, कोई नॉर्थ इंडियन डिश नहीं। हाँ ये है कि मेरा मन करता है मैं साउथ इंडियन में जितनी भी वैरायटीज अवेलेबल है सबको एक्सप्लोर करूं, सबका टेस्ट इंजॉय करूं। इसके लिए मैं तलाश करता रहता हूं और ऑप्शंस क्या क्या है। चलो कोई बात नहीं, सही है, ओवरऑल हमारा यहां पे डिनर अच्छा रहा। अब मैं आपको ना कुछ देर में दोबारा ज्वाइन करता हूं। बाकी फूड इज़ गुड, चटनी मेरे को ये बहुत पसंद आई है, प्याज टमाटर वाली ये भी सही है, बट ये तो मेरे को बेहद पसंद आई। आप जानते हैं पुराने समय में कैसा रहता था कि यात्री सबसे पहले रामेश्वरम आते थे, दर्शन करते थे, यहाँ से बालू लेके काशी जाते थे, वहाँ पर काशी में जो बालू लेकर आए उसको गंगा जी में प्रवाहित करते थे, वहाँ से गंगा जल लेकर दर्शन करने के बाद गंगा जल लेकर यहाँ आते थे और गंगा जल से अभिषेक करते थे, तो उनकी यात्रा कम्प्लीट होती थी, मतलब एक सर्किट कम्प्लीट होता था। आज की डेट में बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं, फिर भी मेरे को क्योंकि ये बात कल पता लग गई थी तो मैंने यहाँ पर आज के दिन में 10-12 लोगों से बात करके जानने की कोशिश करी कि उनमें से शायद उनमें किसी का प्लान हो, और ऐसे मैंने कल भी कुछ लोगों से पता लगाया, तो मुझे आज के दिन में 2 लोग ऐसे मिले जिन्होंने बोला कि वो एग्जैक्टली यही करने वाले हैं। अभी रामेश्वरम आए हैं परिवार के साथ, यहीं से वो लोग काशी जाएंगे और काशी से गंगा जल लेके यहाँ के अभिषेक करेंगे। तो ये मैंने आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। हल्की हल्की बरसात स्टार्ट हो गई है, अब मैं यहाँ से अपने होटल की तरफ चलता हूँ, अगर बरसात तेज़ होगी तो ऑटो ले लूँगा, अदरवाइज़ मैं पैदल निकल जाऊँगा। सामने टेंपल का वेस्ट गेट है, ये मैंने कुछ देर पहले भी आपको दिखाया था ना, एक बार आप दोबारा देख लीजिए। टेंपल तो आप कहीं से भी जा सकते हैं, जैसे 4 गेट्स हैं ना, तो ईस्ट के इस पार वेस्ट, ईस्ट मेन गोपुरम है, और हमने नॉर्थ गेट से जाकर हमने स्नान किया था, साउथ से हमने एग्जिट किया था, ये मैंने पिछले एपिसोड में आपको वीज़ा टू एक्सप्लोर में दिखाया था, और गोपुरम चारों गेट के सामने है। सही है, बहुत बढ़िया। कल हम लोग कराईकुड़ी होते हुए, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, कराईकुड़ी ही बोलते हैं, चेटीनाड फूड बेसिकली वहाँ का फेमस है, ये मेन अट्रैक्शन है जिसकी वजह से मैं वहाँ पर जाना चाह रहा हूँ। यहाँ से 140 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कराईकुड़ी में हम लोग 3 से 4 घंटे रहेंगे, उसके बाद एंड ऑफ द डे शाम तक हम लोग पहुंच जाएंगे थंजावुर, फिर एक दिन थंजावुर में रहेंगे, वहां से हम ट्रिची जाएंगे, और ट्रिची में एक नाइट स्टे करने के बाद हम मदुरई जाएंगे। ये आने वाले 5 दिन का हमारा प्रोग्राम है, राइट। रामेश्वरम का टूर हमारा बहुत अच्छा रहा, सिर्फ ये मैं कह सकता हूँ कि एक दिन मुझे और चाहिए था,
टू फुल डेज कम है, एक दिन और होता ना तो मैं और भी बड़ी सारे स्पॉट्स में चला जाता जो मैं नहीं जा सका, या फिर ऐसा होता कि जो हमने कल दिन की शुरुआत लेट करी या आज दिन की शुरुआत लेट करी वो ना करते, हम दिन की शुरुआत सुबह 7 बजे कर लेते तो भी हम सारे पॉइंट्स विजिट कर लेते, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं था। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि थोड़ा डेटा कॉपी का प्रॉब्लम आ रही थी और साथ में हमें हमारा वो कैमरा का प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने जिक्र किया ना आपसे कि हमारा टीम मेंबर कोची गया, कोची में सोनी सर्विस सेंटर, ये सब कोऑर्डिनेशन में बहुत सारा समय निकल गया और एट द एंड ऑफ द डे खुशी होती है अगर काम हो जाता, काम फिर भी नहीं हुआ। तो अब वो टीम मेंबर वापस आ गया, 3 दिन इस सारे प्रोसेस में निकल गए, काम नहीं हुआ। अब मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे कोई थंजावुर में कैमरामैन मिल जाए तो हमारे लिए एक सेकेंड कैमरा हो जाएगा तो शूटिंग थोड़ा ईजी हो जाती है, थंजावुर मिल जाए या फिर ट्रिची में मिल जाए, चलो देख लेते हैं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, थोड़े बी रोल्स कम होंगे लेकिन स्टिल हम लोग मैनेज करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।